एक से बढ़कर एक टेक्निक देखने के लिए सब्सक्राइब करें टेक्निकल सोनी जी। वेलकम बैक इन टेक्निकल सोनी जी। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपके सामने गैस गीजर है और इसके अंदर प्रॉब्लम आई हुई है। इस प्रॉब्लम का भी अपन सॉल्यूशन करेंगे। इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या रही है इसको अपन ऑन करते हैं तो इसके अंदर पानी जो है वो बहुत ही धीरे आ रहा है और यहाँ से आप देखेंगे कि ये चल भी नहीं रहा है। लेकिन देखो फिर भी नहीं चल रहा, यहाँ से ऑन भी कर दिया है फिर भी नहीं चल रहा है। और दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इसे इन पाइपों के द्वारा अलग करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास दो पाइप रेंच हैं। इन पाइप रेंच के द्वारा इन जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये गैस पाइप है और ये वाला जो है वो पाइप इनलेट है और ये पाइप आउटलेट है। इन तीनों पाइप को यहाँ से खोल के अपन को इसको अलग करना पड़ेगा। तो समय वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले इसको खोलने की कोशिश करते हैं। वह देखिए यहाँ से ये खुल गया है और एक बार खुलने के बाद इसको धीरे से अपन खोल सकते हैं। ये खोल के अलग कर दिया। ये गैस पाइप है जिसको अपने अलग कर दिया है। दूसरे वाला जो पाइप है इसको भी रेंच पाइप रेंच के द्वारा अलग कर सकते हैं खोल के। अभी शायद एक की जरूरत पड़ने वाली है तो देखिए इसको भी अपन ने अलग कर दिया इस प्रकार से और इसको भी अलग कर दिया। आप देख रहे हैं कि तीनों पाइप अलग हो चुके हैं। कुछ इसके अंदर पानी है वो भी निकल जाएगा और इसी के साथ इसको यहाँ से अलग कर देंगे और बाहर ले आएंगे। देखिए दोस्तों हमने इस गीजर को अभी खोल लिया है। अब इस गीजर को हम कैसे रिपेयर करेंगे, ये आपके सामने गीजर है। सबसे पहले इसका यहाँ से सेल जो है उस सेल को आउट करना होगा। इस सेल को आउट करने के लिए यहाँ पर इसको ऐसे खींच लेंगे पकड़ के और इस साइड से भी इसको खींच लेंगे यहाँ से। ये दो सेल है इनको अलग कर दिया है क्योंकि इसमें करंट लगने के चांसेस भी होते हैं। इसमें करंट बनता है अंदर की साइड में। अब इसके लिए अपने को कुछ औजारों की आवश्यकता भी होती है। जैसे मेरे पास अभी पेचकस है, कुछ चाबी वगैरह है, कुछ कटर है, अगर आप देख रहे हैं डब्बी, इस प्रकार से ये एसिड है। इस एसिड की भी अभी आवश्यकता होने वाली है। तो देखिए हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इन सब चीज़ों को खोलना होगा। यहाँ से अलग कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसके साइड में स्क्रू आते हैं। जो बैटरी आपने देखी थी उस बैटरी के वायर भी इसी के अंदर ही हैं तो बिल्कुल केयरफुल इसको अलग कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने इसको ओपन किया। अब सबसे पहले इस कनेक्टर से ये वायर अलग कर देते हैं और इसके अंदर भी देखते हैं कि कुछ कनेक्शन है। यहाँ से इसको अलग कर देते हैं। ये LED लाइट लगी हुई है इसको अलग कर दिया और ये स्विच बोर्ड है यहाँ से। ये पहले से इसकी वायरिंग की हुई है, या तो इसको तोड़ना पड़ेगा या तोड़ेंगे नहीं तो इससे ये कुछ पिन है दो पिन, इन पिनों को यहाँ से अलग कर देंगे। ये अलग हो गया। ये जो बॉक्स है इसको अलग रख देते हैं क्योंकि अपने को रिपेयरिंग इसको करनी है। और आपको पहले मैं बता दूं कि ये जो होती है ये होती है पाइप सप्लाई। इसी से यहाँ से इनलेट से वाटर होता हुआ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इनलेट कौन सा है आउटलेट कौन सा है। इसके अंदर देखिए अभी मैंने जो यहाँ से इसको हटाया है तो ये साइड जो है ये तो हॉट वाटर इन आउटलेट और वाटर इनलेट लिखा हुआ है तो ये यहाँ से हमने इसको हटाया है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो तो है वाटर इनलेट का और ये है हॉट वाटर आउटलेट का। यहाँ से पानी होता हुआ अंदर जाता है और ये पाइपलाइन जो आपको दिखाई दे रही है इन पाइपलाइन से होता हुआ
और यहाँ से होता हुआ और इनमें से गुजर के पानी ये वापस यहाँ से वापस आता है। अब यहाँ से पानी वापस आएगा तो वो गर्म आएगा, और ये यहाँ पर गैस सिस्टम है, ये गैस का पाइप है, यहाँ से गैस अंदर जाती है, और गैस अंदर जाने के बाद ये जो आपको बर्नर दिखाई दे रहे हैं, ये बर्नर जलते हैं। ये 3 बर्नर का है, इसमें आप 2 इन 1 है, पहले या 2 बर्नर भी चला सकते हो, तेल गर्म करना है तो 3 भी चला सकते हो। चलो अभी इसको खोलते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर जो मेजर प्रॉब्लम है कौन सी है। इसकी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें पानी बहुत धीरे आ रहा है। इस पानी को तेज करने के लिए इस सिस्टम को अपने को साफ करना होगा, यानी इसके जो पाइप हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। इन पाइप्स के ब्लॉकेज को अपने को खोलना है, तो इसके लिए सबसे पहले इस सिस्टम को अलग करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ से अलग करना पड़ेगा इस कनेक्टर से। यहाँ से इसको अलग कर दिया, ये अलग हो गया। दूसरा जो पोर्शन है वो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो ये जो 2 पिने हैं, इन 2 पिनों को अलग कर देंगे यहाँ से। एक तो ये यहाँ से अलग हो गई और दूसरी यहाँ से अलग कर दी। अब इसके बैक साइड में कुछ स्क्रू आते हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसमें बैक साइड में स्क्रू नहीं है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर स्क्रू दिखाई दे रहा है, जाम भी हैं। तो पहले स्क्रू से स्क्रू को खोलने के लिए पेचकस एक साइड से पकड़ के दूसरे साइड से प्लस साइड कौन सी, यहाँ से देखिए ये जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं ये वाले हैं। बिल्कुल सावधानी पूर्वक ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से बर्नर है, ये बर्नर जब जलते हैं तो इनसे जो हीट मिलती है उस हीट जो होती है वो यहाँ पर जाकर लगती है। ये आपको रेडिएटर दिखाई दे रहा है, ये रेडिएटर गर्म होता है, यहाँ से जो पानी इनलेट होता है इस साइड से, और यहाँ से होते हुए देखिए इन पाइपों से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ और ये अंदर जाता है। यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से होके इस साइड से फिर राउंड, इसके अंदर राउंड शेप होते हुए यहाँ से होता हुआ और ऐसे होता हुआ और इस साइड से ये आउट हो जाता है। तो इतनी देर में क्या होता है, ये 2-3 राउंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद यहाँ से आउट हो जाता है। तो यहाँ से इनलेट होता है ठंडा पानी और आउटलेट होता है गर्म पानी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसके अंदर अभी पाइप ब्लॉकेज है और पानी बहुत ही धीरे धीरे इसके अंदर से जा रहा है। जो प्रॉब्लम है वो इसके अंदर है, इसको भी अलग कर देते हैं, इसको भी अलग कर दिया धीरे से। अब प्रॉब्लम इसके अंदर है, इसकी ब्लॉकेज पाइप को वापस से सही करना है और इसके अंदर जो भी कचरा है उस कचरे को अपने को आउट करना है। तो इसके लिए ये यहाँ पर एक वाशर आता है, ये वाशर कटने जाए बिल्कुल से केयरफुली, क्योंकि मिलता नहीं है बाजार में, इस वाशर को केयरफुली अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर भी एक वाशर है, देखिए इस वाशर को केयरफुली अलग कर देते हैं और ये वाशर अलग हो गया है। अब देखिए इस ब्लॉकेज पाइप को वापस से रिपेयर करना है, कैसे रिपेयर करेंगे, इसके लिए
ये तो अपने पास है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये डिब्बा है जिसमें से क्या है, यहाँ से इसमें से एसिड डालेंगे तो एसिड को आउट भी करना होगा, तो ये डब्बे की जरूरत पड़ेगी एक, और इसमें से एसिड डालेंगे तो डालने के लिए जैसे इसको मैंने यहाँ से ओपन किया, ये हमेशा एसिड से सही होता है, वाटर तो हमेशा जाता ही है इसके अंदर, वाटर से सही नहीं होगा। अब देखिए मैं इस एसिड को इसके अंदर से डालूंगा और ये एसिड जो है यहाँ से आउट होना चाहिए, पहले धीरे धीरे आउट होगा, फिर होते होते तेज गति से आउट होगा, फिर देख लेना कि इसमें से स्पीड से यदि एसिड आने लगे तो समझ लेना कि ब्लॉकेज पाइप जो है वो आपस से सही होने लग गई है। इस एसिड को बिल्कुल केयरफुली डालना है, हाथ की टच नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से बुलबुले उठेंगे भी बिल्कुल केयरफुली, क्योंकि इसके अंदर पानी है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से डाइल्यूशन होता है, ये कंसनट्रेट HCl है तो ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से डाइल्यूशन होता है, तो धीरे धीरे इसके अंदर रिएक्शन हो रही है क्योंकि इसके अंदर आपको पता है वाटर है। अब रिएक्शन हो रही है होने दो क्योंकि इसके अंदर और भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो ये रिएक्शन बार बार होती रहेगी, इसके अंदर एसिड डालते रहो और रुकते रहो, जब तक डालते रहिए तब तक कि यहाँ से एसिड आना शुरू ना हो जाए। चुका है, आपको धुआं निकलता भी दिखाई दे रहा है, ये अच्छा प्रैक्टिकल भी है साइंस के बच्चों के लिए। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरी साइड से, पहले वाटर और एसिड मिक्स में आ रहे हैं, पाने दीजिए कोई टेंशन नहीं है, और डालिए एसिड। ये पाइप ब्लॉकेज है इसलिए धीरे धीरे आ रहा है, देखो इसमें कुछ कचरा भी आ रहा होगा साथ, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ कचरा भी है साथ में, डब्बे में देखिए इसमें कचरा साथ है, ये बिल्कुल साफ है यहाँ से कचरा, इसका मतलब इसके अंतर्गत हार्ड वाटर जो होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इम्प्योरिटीज होती है वो इस पाइप में जम जाती है और वहाँ से क्या ब्लॉकेज करती है। यदि इसमें से सॉफ्ट वाटर जाता है तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हार्ड वाटर है तो इस पाइप को के अंदर ये जाके चिपक जाता है और ब्लॉकेज हो जाती है। ये काफी देर तक रिएक्शन होगी धीरे धीरे। दोस्तों आप आफ्टर 20 मिनट देख रहे हैं कि ये एसिड इसके अंदर डाल रहे हैं, और इस प्रकार देखिए ये एसिड दूसरी साइड से बिल्कुल फास्ट निकलने लग गया है, इसका मतलब इसमें जो कचरा है वो धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। और आप देखिए इस एसिड की कंडीशन, ये पहले ऐसे था, इसकी कंडीशन देखिए कि इसमें कितना सारा कचरा है, ये कचरा जो है वो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो है, तो ये सारा पाइप जो है वो धीरे धीरे ब्लॉकेज जो है वो सारा हट गया है, और कुछ जो बच गया है उसको क्या करेंगे, इसके द्वारा पानी डालेंगे, पानी डालने से इसमें से वाटर निकलेगा, प्रेशर यहाँ से प्रेशर से पानी डाला जाएगा जिससे यहाँ से निकल जाएगा, और फिर पूरे रेडिएटर को साफ कर लेंगे और सुखा कर वापस से पैक कर देंगे। देखिए अभी भी इसमें फास्ट निकलता जा रहा है, थोड़ा सा फास्ट डालते जाएंगे और इसमें से एसिड निकलता जाएगा। देखिए बिल्कुल केयरफुली, नीचे नहीं दिख रहे, ये देखिए पूरे ब्लॉकेज हट चुके हैं और पाइप बिल्कुल से साफ होने लग गए हैं। ये जो एसिड इसमें से निकला है इसको फेंकने की आवश्यकता नहीं है, इस एसिड को आप फर्श चमकाने में भी काम में ले सकते हैं, इस एसिड को फेंकिए मत, जो एसिड बच गया है इसको आप टॉयलेट्स और आपका जो बाथरूम है उसके फर्श चमकाने के लिए भी काम में ले सकते हैं, तो ये दोबारा काम आ जाएगा एसिड बचा हुआ।
इसके लिए ध्यान रखना है कि ये बोतल लगभग हाफ बोतल थी और ये लगभग इतनी बची है, तो ये मान के चलिए कि लगभग हाफ बोतल जो होती है उससे इसको साफ करना है। ये नहीं कि एक बार डाल दिया और साफ हो गया, धीरे धीरे इसमें से कटता है और कटने के बाद में धीरे धीरे इसमें से साफ होने लग जाता है। तो बिल्कुल केयरफुली डालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 20-25 रुपये 30 रुपये के आसपास की बोतल आती है, लेकिन इसमें कितनी सफाई भी। एसिड से साफ करने के बाद इसमें जो एसिड बचा हुआ उसको भी आउट कर देते हैं, उसको पानी से साफ करते हैं। ये आपके सामने पानी की टूटी है, पानी से साफ करते हैं। पानी से साफ करने के लिए इसको यहाँ पर लगा के और टूटी को धीरे से खोल देते हैं। देखिए दूसरी साइड से जो इम्प्योरिटीज है वो हटती जा रही है यहाँ से, और पानी देखो कितना फुल प्रेशर से आने लग गया है। आप देख रहे होंगे कि पहले कितना धीरे पानी आ रहा था और अब कितना प्रेशर है। इस प्रकार देखिए कि रेडिएटर जो है वो बिल्कुल से साफ हो चुका है। अब इस रेडिएटर को वापस से गीजर में कस देंगे और कसने के बाद उसको वापस से लगा देंगे। तो इस रेडिएटर को धोने के बाद मेरे पास अभी ब्लोअर है, इस ब्लोअर से इस रेडिएटर को सुखाना है, क्योंकि इसको यदि धूप में रखते हैं तब तब तो ये काफ़ी देर में सूख जाता है, लेकिन अभी अपने को जल्दी सुखाना है। इसके लिए ब्लोअर इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सुखा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये सूख चुका है। देखिए दोस्तों ये जो आपको रेडिएटर दिखाई दे रहा है, ये रेडिएटर पूर्णतः साफ हो चुका है और इसके अंदर जो पाइप ब्लॉकेज थे वो ब्लॉकेज पाइप भी अब हट चुके हैं। अब हमें इसको वापस जहाँ से हमने इसको खोला था वहाँ इसको वापस कसेंगे। आपको मैंने बताया था कि इसको मैंने किस प्रकार से खोला था, इस साइड से, इसी साइड से इसको वापस से कसना है। लेकिन इससे पहले मैंने ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको सेंसर बोलते हैं। ये सेंसर क्या होता है, जो वाटर यहाँ से आउट होता है हॉट वाटर, उसकी सेंसिटिविटी जो होती है उसको बताता है। तो इसको यहाँ से वापस कस देंगे। यदि ये हटा दिया जाए तो वाटर जो है उसका कंट्रोल जो है वो ये नहीं बता पाएगा और हॉट वाटर होने में दिक्कत आ सकती है। इस प्रकार से मैंने इसको वापस कस दिया है सेंसर को, ये देखिए। अब इसको जहाँ से हटाया था वहाँ पर वापस लगा देंगे इसी साइड से, बिल्कुल केयरफुली, पाइप टूटने का खतरा रहता है। इस प्रकार से पाइप को यहाँ से कसने से पहले इसको भी थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसके अंदर भी कचरा आ जाता है, क्योंकि इसको तो अपन ने यहाँ से लेके पूरे को साफ कर लिया था यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक साफ नहीं किया है, तो इसको भी यहाँ से साफ कर लेते हैं। गीजर में जो स्पार्किंग होती है वो यहाँ से होती है, ये तीन लाइटर हैं, एक लाइटर, दो लाइटर, तीन लाइटर, यहाँ से स्पार्किंग होती है। जैसे अपने गैस लाइटर में स्पार्किंग होती है वैसे इसमें भी स्पार्किंग होती है, और इस स्पार्किंग से इसमें जो गैस यहाँ से आती है तो गैस यहाँ से आने के बाद स्पार्किंग होते ही यहाँ से आग जलने लग जाती है। जैसे गैस लाइटर से गैस में होता है वैसे ये होता है, ये पूरा का पूरा जो फिलामेंट है वो जलने लग जाता है।
यस एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब इसको बंद करना है, बाकी इसका अंदर का सारा काम हो चुका है। वायरिंग भी वापस से अपन ने सेट कर दी है, अभी अच्छे से चलेगा। इसको बंद कर देंगे यहाँ से। ये पूर्णतया हमने चारों तरफ से इसको बंद कर दिया है, अब इसको लगाने की तैयारी रहेगी। थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये गैस कंट्रोल सिस्टम होता है, मिनिमम गैस होती है, यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं तो गैस मैक्सिमम हो जाती है, मिनिमम धीरे धीरे होते होते मैक्सिमम, जैसे कि निशान दिखाई दे रहा है, गैस को कम और अधिक करने का होता है ये गैस कंट्रोलर। दूसरे वाला जो होता है वो वाटर कंट्रोलर होता है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, इसको मैक्सिमम कर देते हैं तो पानी बिल्कुल फुल आता है, और इसको धीरे धीरे ऐसे ऑफ की तरफ करते हैं मिनिमम की साइड में तो पानी धीरे धीरे कम हो जाता है, ये मिनिमम है धीरे धीरे होता होता मैक्सिमम हो जाता है। इन दोनों के एडजस्टमेंट के हिसाब से वाटर अपने को सेट करना होता है कि अपने को कितना गर्म या कितना ठंडा पानी चाहिए। ये जो सिस्टम दिखाई दे रहा है ये विंटर और ये समर दिखाई दे रहा है आपको। समर का मतलब गर्मी, विंटर का मतलब सर्दी, यानी समर के साइड में करते हैं तो इसके अंदर का दो बर्नर चलते हैं, जब इसको विंटर साइड में करते हैं तो इसमें तीन बर्नर चलने लग जाते हैं, मतलब समर साइड से दो बर्नर यानी थोड़ा कम हीट का पानी आएगा, और विंटर साइड में कर देते हैं तो थोड़ा और भी तेज़ गर्म पानी आता है क्योंकि तीन बर्नर चलने लग जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या अपने को गैस दिखाई देती है जलती हुई, कि गैस जल रही है कि नहीं जल रही, यहाँ से लो जलती हुई दिखाई देगी मतलब गैस चल गई है। हमने इसको अभी रिपेयर कर दिया है, और इसको रिपेयर करने के बाद हम गैस गीजर को वापस से बाथरूम में सेट कर रहे हैं, और इसको चला के देखने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये चलेगा। अभी आपको दिख रहे हैं वही तीन पाइपलाइंस, जिसमें से एक तो गैस की है, इसमें लिखा हुआ भी है गैस इनलेट, यहाँ पर है हॉट वाटर आउटलेट और ये वाटर इनलेट, तो जहाँ गैस इनलेट लिखा हुआ है वहाँ पर तो गैस इनलेट का पाइप जो है वो जोड़ देंगे। गैस के पाइप अलग ही होते हैं आपको पता ही है, इस प्रकार से, और इसको यहाँ से टाइट कर देंगे ताकि गैस लीक ना हो, बिल्कुल केयरफुली, ज़्यादा जोर से भी नहीं करना है नहीं चूड़ी स्लिप हो जाती है। ये देखिए, अभी देखिए वाटर इनलेट ये वाला है और हॉट वाटर आउटलेट ये वाला है। देखिए सबसे पहले हॉट वाटर आउटलेट का ये पाइप है, इस हॉट वाटर आउटलेट के पाइप को इसके अंदर कस देते हैं इस प्रकार से, और वाटर इनलेट इसमें वाशर भी है, वाटर इनलेट के पाइप को इसके अंदर कस देते हैं। ये तीनों पाइप कैसे जा चुके हैं, अब इसको ऑन करके देखते हैं कि कहीं से कोई पाइपलाइन लीकेज तो नहीं है। ये देखिए कोई पाइपलाइन लीकेज नहीं है, यहाँ से पानी भी आने लग गया है बिल्कुल ओके है, कहीं से पानी, इसका मतलब यहाँ तक अभी काम हुआ है वो बिल्कुल ओके है। अब आगे चेक करते हैं, इसके लिए सबसे पहले गैस कि जो पाइपलाइन है उसको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने इसको बंद कर रखा था, सिलेंडर बाहर की साइड में है वहां से इसको ऑन करना है, और फिर यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रही है हॉट वाटर की जो आउटलेट की जो टूटी लगी हुई है, इसको जो ही ऑन करेंगे यहाँ से अपने को एक चिंगारी चलती हुई दिखाई देगी और गैस चल जाएगी, इसका मतलब तो ओके है। अभी देखो गैस को बाहर से अपन ने ऑन कर दिया है, अब ये जो स्विच दिखाई दे रहा है आपको, इस स्विच को यहाँ से ऑन करना है। ये स्विच ऑन करने के बाद इस सेल का करंट इस गीजर में जा चुका है, और इस टूटी को अभी यहाँ से चालू करेंगे तो यहाँ से चिंगारी आनी चाहिए और गैस स्टार्ट हो जानी चाहिए। इसको अपन ने पहले से फिक्स कर रखा है जितने को अपने को चाहिए, मैक्सिमम है समर टेम्परेचर जो भी अपने को सेट करना है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए ये पहले ऑफ था, अभी मैंने इसको यहाँ से ऑन कर दिया है,
अब मैं जो इसकी टूटी खोलूंगा तो यहाँ देखना चिंगारी दिखाई देगी, आप इसको पास से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको देखिए पानी दिखाई दे रहा था वहाँ, और इस साइड देखिए इसमें गैस दिखाई देगी आपको। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से गैस जल रही है, और ये जो साइड है इस साइड से देखिए अभी आपको दो बर्नर दिखाई दे रहे होंगे, और इससे तीसरा बर्नर चालू हो जाता है। अभी देखिए दो बर्नर जल रहे हैं, अभी तीसरा बर्नर चालू हो गया और फिर दो हो गए, और यहाँ से देखिए एक और बर्नर, ओ इतना तेज गर्म पानी। ओके तो इस प्रकार देखिए हमने, पहले आपने इसका प्रेशर देखा होगा कितना कम था, अब तेज प्रेशर है और पानी भी बिल्कुल से गर्म आ रहा है। इसको और तेज कर दीजिए, यहाँ से मिनिमम यहाँ से मैक्सिमम या बेहतर, और भी तेज पानी गर्म हो गया है। और इसको बंद कर देते हैं, गैस भी बंद हो गई। ओके मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी द्वारा की हुई ये टेक्निक पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आए तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए और वीडियोस जो आपको बार बार दिखाई देते रहें। धन्यवाद। वाओ सुपर, एक गीजर को सही करने में इतना टाइम लगता है, आज पहली बार मेरे को पता लग रहा है। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और पास में जो बेल आइकन है उस पर अवश्य क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए नए अपडेट्स मिलते रहें। गुड बाय।